हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हर बार की तरह स्वागत करता हूं मैं आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल द सुधीर जागरण में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि काइन मास्टर की मदद से किस तरह से आप अपने फ़ोटोज़ के साथ एक स्लाइड शो तैयार कर सकते हैं, वो भी म्यूजिकल बैकग्राउंड के साथ। और साथ ही साथ आप अपने फ़ोटोज़ में किस तरह से ट्रांजिक्शन ऐड कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने फ़ोटोज़ का स्लाइड शो तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी काइन मास्टर की एप्लीकेशन की। अगर आपने अभी तक काइन मास्टर की एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की है, या फिर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है लेकिन वाटरमार्क उसमें आ रहा है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं मेरा वीडियो। मैंने उसमें बताया कि किस तरह से आप काइन मास्टर की एप्लीकेशन को बिल्कुल फ्री में प्रो वर्जन उसका कैसे इंस्टॉल अपने मोबाइल में कर सकते हैं। और दोस्तों यार, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, वीडियो आज का बहुत अच्छा होने वाला है। आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप अपना स्लाइड्स तैयार कर सकते हैं फोटोज़ के साथ। लेकिन दोस्तों, हर एक स्टेप मैंने इसमें डिटेल से बताया है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है लेकिन आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो को। अगर आप स्किप करोगे तो आप हो सकता है कि कुछ एडिटिंग पॉइंट्स आप मिस कर जाओ, इसलिए आप पूरा देखिए वीडियो को ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि किस तरह से आप एक स्लाइड शो तैयार कर सकते हैं। मैंने बारीकी से हर एक पॉइंट को क्लियर किया है, एक एक करके मैंने सारे उसके फंक्शंस को मैंने डिस्क्राइब किया है, तो आप वीडियो पूरा देखना। चलिए दोस्तों, इसके लिए जाना पड़ेगा आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर। तो जल्दी से चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आप देख लीजिए किस तरह से आप एक स्लाइड शो तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन के अंदर और अभी सिंपली हमें ओपन कर लेना है यहाँ पे काइन मास्टर। काइन मास्टर ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे रेड कलर का ये प्लस का साइन नज़र आएगा, इस पर सेलेक्ट करना है दोस्तों। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट दिखाएगा, 16:9 सेलेक्ट करिए। अगर आपने लैंडस्केप फोटो या वीडियो को एडिट करना है, 9:16 में पोर्ट्रेट वीडियो को एडिट करेंगे और 1:1 में हम स्क्वायर वीडियो को। तो मैं अभी 16:9 पे प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ। अभी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा ये सारे अभी हाईलाइट नहीं हो रहे हैं एडिटिंग ऑप्शन, क्योंकि हमने कोई मीडिया यहाँ पे अभी ऐड नहीं कर रखा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे मीडिया ऐड कर लेते हैं। मैं अभी फ़ोटो का स्लाइड शो बनाने वाला हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर जाकर कोई भी रेंडम फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ। आपको भी दोस्तों अपनी गैलरी में जो भी फ़ोटो आपको सेलेक्ट करना है वो फ़ोटो आपको यहाँ पर जाकर सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। कुछ फ़ोटोज़ में यहाँ पर 8-10 फ़ोटो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि किस तरह से हम स्लाइड्स तैयार कर पाएंगे। एक कोई भी यहाँ पे रेंडमली फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ। फ़ोटो चूज़ करने के बाद में दोस्तों आपको सिंपली किसी भी एक फ़ोटो पर टैप करना है, तो आपको राइट साइड में यहाँ पे कई सारे एडिटिंग के ऑप्शन नज़र आएंगे दोस्तों। ये सारे एडिटिंग के ऑप्शन आपको नज़र आने लगेंगे। तो सबसे पहले ट्रिम का ऑप्शन है दोस्तों, इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो अभी किसी भी फ़ोटो को ट्रिम करने के लिए दोस्तों सिंपली हमें इसे ड्रैग करके सेंटर में लाना पड़ेगा इस लाइन को। अब ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है नीचे, इस लाइन के लेफ्ट या राइट से हम ट्रिम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रिम टू लेफ्ट प्लेड है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो लेफ्ट साइड से ट्रिम हो जाएगा हमारा फ़ोटो। हमें इसे अंडू कर लेते हैं, और अगर अभी मैं यहाँ पर इस लाइन के राइट साइड में ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेड पर क्लिक करता हूँ तो राइट साइड वाला पार्ट मेरा इस फोटो का ट्रिम हो जाएगा दोस्तों। तो ये इसका ट्रिम का ऑप्शन है, वापस अंडू करता हूँ। अब अगर मैं इस फोटो के बीच में या स्प्लिटेड प्ले हेड पर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे मेरा फोटो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये ऑप्शन है, बीच में आप कुछ मीडिया वगैरह भी ऐड कर सकते हैं आप। तो अभी दोस्तों मैं इसको दोबारा अंडू करता हूँ। यहाँ पे अपन ने ट्रिम वाला ऑप्शन समझ लिया है। अभी दोबारा हमें इस फोटो पर टैप करना है। दोबारा फ़ोटो पर टैप करेंगे, टैप करने के बाद में वापस ऑप्शन नज़र आएंगे। यहाँ पे दूसरे नंबर पे ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है दोस्तों, ये यहाँ पे आप देखेंगे स्टार्ट पोजीशन एंड पोजीशन नज़र आ रही है। तो स्टार्ट पोजीशन एंड पोजीशन क्या है दोस्तों, जैसे मैं अभी ये स्टार्ट पोजीशन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ फ़ोटो के स्टार्ट में आ चुका है। तो अभी ये फ़ोटो जितना जूम है अभी इसको आप मूव कर सकते हैं टैप करके, वैसे नहीं कर पाएंगे लेकिन यहाँ पे आप मूव कर सकते हैं। तो स्टार्ट पोजीशन में इस फ़ोटो की जो सेट करूँगा, जैसे मुझे जूम करके यहाँ पर मैं इतना इसको फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसके बाद में एंड पोजीशन पर क्लिक करता हूँ तो एंड पोजीशन में मैं इसको थोड़ा और ज़्यादा जूम कर देता हूँ। ये देखिए, थोड़ा मैं इसको और ज़्यादा जूम कर देता हूँ। अब जब मैं इसको प्ले करूँगा तो ये एकदम से निकल के आएगा फ़ोटो। देखिए, ये देखिए, यहाँ से जैसे मैं इसको प्ले करूँगा तो ये फ़ोटो स्टार्ट पोजीशन से लेके एंड पोजीशन तक पूरा रन करेगा। तो ये इसका, अब ये दूसरा फ़ोटो देखिए, ये बिल्कुल एक जगह पर ये हिल नहीं रहा है फ़ोटो, बिल्कुल भी जूम नहीं हो रहा है। लेकिन फर्स्ट वाला फ़ोटो जो था
वो देखिए यहाँ पे एकदम से ये बाहर निकल के आ रहा है, क्योंकि ये मैंने इसकी स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन इसकी सेट कर दी है। तो इसी तरह से दोस्तों आपको जो भी जिस तरह से भी आपको पोजीशन सेट करनी हो, स्टार्ट पोजीशन एंड पोजीशन, वो आप हर फोटो में जा कर के अलग अलग जैसा भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अभी देखिए दूसरा फोटो में मैं यहाँ पर भी इसकी स्टार्ट पोजीशन यहाँ पर सेट करता हूँ और एंड पोजीशन में यहाँ पर सेट कर देता हूँ। तो इस तरीके से सभी फ़ोटो में आप चाहें तो कर सकते हैं, चाहें तो नहीं कर सकते हैं। तो आप स्टार्ट पोजीशन एंड पोजीशन सेट कर दीजिए। अब ये देखिए ये दूसरा वाला फ़ोटो है, दूसरा वाला फ़ोटो भी स्टार्ट से एंड तक इस तरह से नज़र आ रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं अपने सभी फ़ोटोज़ जो भी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए थे सभी की स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन एक बार सबकी यहाँ पर जल्दी से सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों सभी फ़ोटोज़ की स्टार्ट पोजीशन और एंड पोजीशन सेट होने के बाद में सपोज अभी आपको कोई फ़ोटो डिलीट करना है तो यहाँ पे आप इस फ़ोटो को सिलेक्ट करिए और आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। सिंपली आप फ़ोटो को टैप करिए और डिलीट के बटन पे क्लिक कर दीजिए, फ़ोटो आपका डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये अनवांटेड फ़ोटो अगर ऐड हो चुका है तो आप उसको इस तरह से डिलीट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों हर फोटो के बीच में ये व्हाइट कलर का बॉक्स नज़र आ रहा है दोस्तों, ये है इस इफेक्ट का बॉक्स। दोस्तों अभी सिंपली ये बॉक्स जो आपको नज़र आ रहा है इसमें हर फोटो के बीच में हमें जैसे ट्रांजिशन डालना है किस तरह से फोटो चेंज होगा, तो उसके उसके लिए सिंपली ये बॉक्स पे यहाँ पे हम इफेक्ट डाल सकते हैं। वो किस तरह से डाल सकते हैं, सिंपली ये बॉक्स को सिलेक्ट करिए और राइट साइड में यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट के आपको यहाँ पर लिस्ट नज़र आएगी दोस्तों। तो सिंपली जैसे आपको कोई भी इफेक्ट डालना है तो ये जैसे पहला है ट्रेवल एंड एक्टिविटी, अभी मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ। तो अभी ये देखिए जब एक फ़ोटो से दूसरा फ़ोटो जब चेंज होगा ये देखिए, तो यहाँ पर ये ऊपर से इस तरह से स्लाइड होकर ये नीचे एरोप्लेन वाला इफेक्ट आ रहा है। तो जब ये दूसरा फ़ोटो पे जाएगा तो ये वाला इफेक्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो ये जो बीच वाला व्हाइट कलर का बॉक्स है ये इफेक्ट डालने के काम आता है दोस्तों दो फोटो के बीच में। अब जैसे ये दूसरा बॉक्स है, अभी यहाँ दूसरे बॉक्स में यहाँ पे कोई भी रेंडमली मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये टेक्स्ट वाले इफेक्ट है दोस्तों, यहाँ पर आप किसी भी दो फोटो के बीच में एक टेक्स्ट वाला इफेक्ट भी डाल सकते हैं। तो जिस तरह का आप इफेक्ट सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर आप टेक्स्ट एडिट का ऑप्शन आ रहा है आपको साइड में, ये टाइल टेक्स्ट नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करके टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं, जो आप चाहें वो लिख सकते हैं और टेक्स्ट वाला इफेक्ट भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। कई सारे इफेक्ट है जो इफेक्ट आपको अच्छा लगे, जैसे अभी मान लो इस वाले इफेक्ट का मैं टाइट कुछ टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ, कुछ भी यहाँ पे रेंडम आपको जो भी अच्छा लगे, आपको जिस भी रिलेटेड आपका स्लाइड्स हो है या जिससे भी रिलेटेड आपके फ़ोटोज़ हैं वो फ़ोटोज़ से रिलेटेड आप कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट लिख दीजिए दोस्तों। अभी आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ये कलर मैं चेंज कर लेता हूँ दोस्तों, ग्रीन ले लेता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट का कलर। अब टेक्स्ट का बैकग्राउंड भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ येलो और जो इसकी लाइन है ये भी चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं इसको। तो दोस्तों इस तरह से आप ये टेक्स्ट भी बहुत ही आसानी से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अभी दूसरे इफेक्ट में दूसरे बॉक्स में चलते हैं, यहाँ पर आपको दोस्तों ये इस तरह का ट्रांजेक्शन देखने को मिल जाएगा। कई सारे ट्रांजेक्शन है दोस्तों इस लिस्ट में बहुत सारे, तो आप रेंडमली कोई सा भी जो भी ट्रांजेक्शन है आप हर एक ट्रांजेक्शन पर जाकर सबको क्लिक करके देख सकते हैं। जो ट्रांजेक्शन आपको पसंद आ रहा है, जो ट्रांजेक्शन आपको अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है, आप सिंपली वो सेलेक्ट करके यहाँ पे हर फोटो के बीच में ट्रांजेक्शन ऐड कर सकते हैं। तो ये इफेक्ट आप हर फोटो के बीच में यहाँ पर इस तरह से डाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है इसको डालने का। तो सारे इफेक्ट डाल लेने के बाद में दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं किस तरह से म्यूजिक ऐड करेंगे। तो आपको यहाँ राइट साइड में ये ऑडियो का बटन नज़र आ रहा है दोस्तों, सिंपली दोस्तों सिंपली इस बटन पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारी लाइब्रेरी में हमारे फ़ोन में जितने भी सॉन्ग्स होंगे वो सारे यहाँ पे एक्सप्लोर हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये जो ऊपर म्यूजिक असेट्स नाम है, यहाँ पर काइन मास्टर की लाइब्रेरी से जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी म्यूजिक आपको अच्छा लग रहा है, जो भी सॉन्ग आपको अच्छा लग रहा है, सिंपली उसे हमें यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अभी आपके फ़ोन में भी काफ़ी सारे यहाँ पर सॉन्ग्स होंगे, रिकॉर्डिंग्स होंगी या फिर लिस्ट, जो भी आपके सॉन्ग आपको डालना है वो यहाँ से आप ब्राउज़ करके सिंपली वो सॉन्ग डाल सकते हैं। तो सिंपली मैं एक सॉन्ग यहाँ पर ले लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पे सॉन्ग का टाइल आ चुका है, अभी इसको प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ।
अभी दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सॉन्ग का जो लेंथ है वो ज़्यादा लंबा है, तो सिंपली हमें एक लास्ट फोटो पे क्लिक करना है और उसको ड्रैग करना है राइट साइड में, और उसके बाद में इस स्टाइल पे क्लिक करेंगे और वापस इसको स्लाइड करेंगे ऊपर ऑप्शंस को, यहाँ ट्रिम का ऑप्शन नज़र आएगा और वही राइट ऑफ प्ले हेड पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा राइट साइड का जितना भी सॉन्ग था वो डिलीट हो जाएगा। अभी दोस्तों नेक्स्ट हम फीचर की बात कर लेते हैं, हमें किसी भी एक फ़ोटो पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आएगा दोस्तों क्लिप ग्राफिक्स का। तो ये क्लिप ग्राफिक्स क्या है दोस्तों, फ़ोटो के अंदर आप कोई ट्रांजेक्शन दे सकते हैं, जैसे कि आपने ये जो बीच में ट्रांजेक्शन दिया था वाइट बॉक्स में, वैसे ही फ़ोटो के पूरी फ़ोटो के अंदर भी कोई भी आप ट्रांजेक्शन दे सकते हैं, टेक्स्ट के साथ आप ट्रांजेक्शन दे सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं दोस्तों इसके भी। क्लिप ग्राफिक्स में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो आप यहाँ पर टाइटल टेक्स्ट जो आ रहा है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट जो भी आपको लिखना है फोटो के बीच में वो भी आप लिख सकते हैं। आप इन ऑप्शंस में जाकर देखिएगा आपको जो ऑप्शन अच्छा लग रहा है, जो इफेक्ट आपको अच्छा लग रहा है, ये देखिए मैं आपको एक एक करके सभी यहाँ पर दिखा रहा हूँ, सारे शो कर रहा हूँ मैं आपको, तो आप इनमें से इसी तरह से आप सिंपली जो भी आपको इफेक्ट अच्छा लग रहा है, जो भी इफेक्ट आपको सही लग रहा है, आपको सिंपली जा करके वो इफेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और जा करके उसका टेक्स्ट आपको चेंज कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, जिससे भी रिलेटेड आपका फ़ोटो है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन कलर फिल्टर का नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो आप ये इसमें कलर फिल्टर में जा करके अपने फ़ोटो का कलर आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको स्क्रीन पर आप दिख रहा होगा, आपको जैसे ही मैं इन ऑप्शंस पे टैप कर रहा हूँ तो फ़ोटो का कलर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर भी आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बेसिक, वार्म, कोल्ड, विविड, इतने सारे ऑप्शन हैं दोस्तों, जैसा आप चाहें यहाँ पर अपने फ़ोटो का कलर भी आप इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं, वार्म अप कर सकते हैं थोड़ा उसको, अगर आप चाहें तो थोड़ा लाइट आप कलर रख सकते हैं। और अगर अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एडजस्टमेंट दोस्तों, अब ये सिंपल अगर एडजस्टमेंट पे आप आएंगे तो यहाँ पर भी आप आकर के फ़ोटो की ब्राइटनेस इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं, कंट्रास्ट आप फ़ोटो का कम ज़्यादा कर सकते हैं, और यहाँ से आप कलर भी इसका बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं दोस्तों, तो ये एडजस्टमेंट हो गया। लास्ट दोस्तों ये ऑप्शन अभी अभी इसको ऑन करता हूँ तो ये आपको दिख रहा होगा फ़ोटो के चारों तरफ यहाँ पर शेडो नज़र आ रही है दोस्तों, ये ऑप्शन फ़ोटो की चारों तरफ शेडो का है दोस्तों, इस तरह से आप यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हैं। अब आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है रोटेट का, तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आप फ़ोटो को हॉरिजेंटली फ्लिप कर सकते हैं, वर्टिकल फ्लिप कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर आपको फ़ोटो रोटेट नहीं है तो आप यहाँ नीचे आकर के फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो फ़ोटो रोटेट भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अभी प्ले कर लेते हैं हम इसको दोबारा, तो दोस्तों अभी देखा आपने कितना आसानी से पूरा स्लाइड शो तैयार हो चुका है। अभी एक लास्ट फीचर और बचा है दोस्तों इसका, मैं ये भी आपको बता देता हूँ, इसमें नीचे आपको यहाँ पर वॉइस का बटन नज़र आ रहा होगा, तो जब आप इस वॉइस को बटन को क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरह से स्टार्ट बटन यहाँ पर नज़र आएगा, अभी जब से ही आप स्टार्ट क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन का माइक स्टार्ट हो जाएगा और आप कुछ बोल कर भी अगर रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इससे आप वो बोल कर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जब पूरा स्लाइड शो तैयार हो जाएगा तो इसको यहाँ पर ये शेयर का बटन आ रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारी आपको यहाँ पर वीडियो क्वालिटी नज़र आ रही है, तो जो भी वीडियो क्वालिटी में आप अपना वीडियो एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, जिस भी बनाना चाह रहे हैं, जिस भी क्वालिटी में, वो क्वालिटी सेलेक्ट करिए और सिंपली यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है दोस्तों, तो जो भी आपको क्वालिटी सेलेक्ट करनी है वो क्वालिटी सेलेक्ट करिए और सिंपली यहाँ पर आप एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दीजिए, जिस क्वालिटी का आप सेलेक्ट करेंगे उसी क्वालिटी उतनी उसकी मेमोरी ज़्यादा हो जाएगी दोस्तों, तो सिंपली यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर ये देखिए ये वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है। अभी मैं आपको गैलरी में जाकर दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पर आपको मिलेगा, तो सिंपली आपको आपके फ़ोन की गैलरी ओपन करनी है, जैसे गैलरी ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पर एक एक्सपोर्ट के नाम से फोल्डर बन जाएगा दोस्तों, इस एक्सपोर्ट के अंदर फोल्डर में आपको क्लिक करना है और ये देखिए ये रहा वो वीडियो। तो दोस्तों आपका स्लाइड शो तैयार है।